जिला मापतोल विभाग की टीम ने सुजानपुर उपमंडल के व्यापारी वर्ग को घर द्वार पर पहुंचकर अपने तराजू इलेक्ट्रॉनिक स्केल इत्यादि को स्थापित करने की सुविधा दे दी गई है। आगामी सोमवार तक ये कार्यवाही विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाएगी। विभागीय निरीक्षक एन के ठाकुर ने बताया कि तराजू इलेक्ट्रॉनिक स्केल माप यंत्र वजन तोलने वाले बटों को स्थापित किया जाएगा। विभाग प्रतिवर्ष घर द्वार पर पहुंचकर व्यापारी वर्ग को तमाम ऐसे माप यंत्र को स्थापित करने की सुविधा देता है। वर्तमान में कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे में सुरक्षा एवं एहतियातन के मद्देनजर अत्यधिक भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए पहले 3 दिन सुजानपुर शहर के आसपास गांव में दुकानदारी करने वालों के लिए रखे गए हैं। उनके आधिकारिक क्षेत्र के तहत जो छोटे गांव के दुकानदार माप तोल यंत्र को स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष सुजानपुर पहुंचते हैं, वे मंगलवार बुधवार वीरवार को यहां पर आकर इन्हें स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद शुक्रवार शनिवार और सोमवार को सुजानपुर शहर के लोकल दुकानदारों को इन्हें स्थापित करने का समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय तक माप तोल यंत्रों को स्थापित करवा लें, इसके बाद और निरीक्षण अभियान करके सख्त कार्यवाही की जाएगी। विभाग के उपकूल उपकरणों के सत्यापन स्टाम्प पर निर्भर कार्य रखा हुआ है और जिससे मंगलवार बुधवार और वीरवार को हमने बाहर के व्यापारियों को दिया गया है समय। शुक्रवार और शनिवार को लोकल और सोमवार को जो बचते हैं लोकल व्यापारियों को अपने तोले अंतर यहाँ से सत्यापित कराए तथा लोगों को और जागरूक करो जिसको पता लगता है और व्यापारियों को भी सूचित करें ताकि सत्यापन सबका सत्यापन किया जाए। इसके बाद अगर कोई व्यापारी सत्यापन कराने से बचता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और विभाग कोई भी नहीं उनके ऊपर नहीं बख्शेगा। इसलिए सबको मौका दिया जाता है कि अपने तोले अंतर समय पर सत्यापित कराएं। तो ये भी सूचित किया जाता है कि कोरोना से संबंधित जो भी कोरोना के लिए व्यापारियों को हिदायत दी जाती है कि वो अपने दूरी बनाए रखें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर जरूर आए तथा जब भी यहाँ आए तो यहाँ हमने वो सैनिटाइजर रखा है, अपने सैनिटाइजर हाथ धोकर लगाकर यहाँ हमारे पास आए और मास्क पहनकर आए और उचित दूरी बनाए रखें ताकि कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके।